हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करता हूँ गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आप सभी ने उस दो वीडियो को बहुत सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप उसे पढ़ते रहे, सिर्फ इसलिए वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया था। तो आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे मुझे बात भी करनी है। आज ही वो क्या भी है हमारे पास, ठीक है, अगेन ट्रिक्स। और आज आपके लिए थोड़े से वर्ड्स मैंने बढ़ा दिए हैं, धीरे धीरे करते करते उनको बढ़ाते जाएंगे ताकि आपके पास मास में है ना बहुत सारे वो कैब्स हो जाएँ। अच्छा देखिए, कुछ जो मैं आपसे बात करना चाहता था वो ये थी। पहली, आपने YouTube पे बहुत सारे वोकैब्स के वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाते भी रहते हैं। आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि बहुत से लोग हैं जो आपसे ये बोलेंगे ट्रिक से इसे याद नहीं करेंगे आप, है ना। ध्यान सुनिए मेरी बात, आप खुद ही इसका फैसला करेंगे, उसमें कोई वो नहीं है। कि देखिए, मैं उनसे बुरा इसलिए मानता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए वो लोग क्या करते हैं, वो आपने देखे होंगे खुद ही वीडियोज़, वो पिक्चर्स के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बात कुछ और अलग नहीं हुई है, पहले आप सिर्फ उन्हें सिंगल सिंगल ऐसे रट रहे होते थे, अब उसकी जगह पिक्चर आ गए होते हैं। मैं आपको कितनी पिक्चर दिखा लूँगा कि आपको शब्द याद रहेगा? बिल्कुल नहीं। हर इंसान, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अगर पिक्चर दिखाई गई तो भी हमें उसे रिवाइज करना पड़ेगा, फिर उसके एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो वहाँ पे बगल में लिखे हुए हैं, फिर पिक्चर से वो पिक्चर का एक ही मतलब होता है, बाकी सबके वर्ड्स की मीनिंग अलग अलग हो रहे होते हैं, इसीलिए वो हमें कभी याद नहीं हो रहते हैं। वो सबसे वर्स्ट तरीका है, उसे आप वैसे याद ही नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ऐसे लोग के बहकावे में मत आइए, ठीक है। आपको कोई चीज़ याद करनी है, सिर्फ आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। अब उसके लिए आपको जो बन पड़े आपको वो सारा काम कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरा काम बनेगा और ट्रिक्स है, और बिल्कुल बनता है। अब मैं आपसे कितनी बार, मैंने बहुत बार आपको वो कैब पढ़ा भी दी, बहुत सारी आपने देख भी ली है। आपसे मैं सिंपल एंटोनिम और सिनोनिम पूछता हूँ क्वेश्चन में, तो आप उसका आंसर कर पा रहे हैं। और अगर आप उसका आंसर कर पा रहे हैं जो आप पहले नहीं कर पाते थे, ठीक है। अब ध्यान सुनिए जरा, उन्हीं वो कैब को ट्राई करिए पिक्चर के थ्रू, आप खुद ट्राई करो उसे, आपको कितना याद होता है आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, और कितना ट्रिक्स याद होता है आपको खुद पता चल जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, पिक्चर से होने के बाद भी आप उसको क्या कर रहे हो, तो 10 बार आपको रिवीजन करना पड़ता है उसका, ठीक है। 10 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा पिक्चर वाली चीज़ को, एक एक घंटे वाले जो उनके वीडियोस पड़े हुए हैं, एक तो पहले तो 1 घंटे के हैं, इसलिए बार बार देखना पड़ता है ताकि हमें याद हो, वो रटना ही पड़ रहा है इन शॉर्ट। तो मैं ये कहता हूँ, अगर आपको रटना ही तो आप ट्रिक रटो। ट्रिक से क्या हो रहा है कि आप एक एक शब्द अलग से नहीं रट रहे हो, उसी शब्द को एक ट्रिक से आपने 14 शब्द अगर पकड़ लिए तो ये मोर देन है। मेरी बात समझ में आ रही है? और सिर्फ वही नहीं, आपने एंटोनिम भी पढ़े, सिनोनिम भी पढ़े। तो बस इतना एक जानकारी थी कि ऐसे परेशान नहीं होना है इन सारे वीडियोस को देख करके। आपको जो अच्छा लगता है, आपसे जिसका काम बन जाता है आपको, आपको वो चुनना है। आपको लगता है मुझे ट्रिक से याद होगा, ट्रिक से पढ़ो। आपको लगता है मुझे वीडियो से याद होगा, आप वीडियो से पढ़ो, ठीक है। ये आपके ऊपर कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। और सबसे जरूरी बात लास्ट में, यहाँ पर इसके बाद हम वीडियो शुरू करेंगे अपना। देखिए, सबसे एंड में वो कैब की जो मैं ट्रिक बताता हूँ वो आपके लिए काम की तभी है जब इसका आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। मैंने देखा, मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको जब बोला कि कुछ लोग क्वेश्चंस के आंसर करें, तो आप लोगों ने किए भी हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगा उसमें आंसर देकर के। मैंने उनके रिप्लाई भी अब आपको भेज दिए हैं, आपका किसका किसका सही है, किसका किसका गलत है, आप उसे चेक कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं भेजे तो मैं भी थोड़ी देर में उसे अपलोड कर दूंगा, आप भेज दूंगा आपको, है ना, वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट्स में ही, ठीक है ना। तो प्लीज़ आज भी मैं क्वेश्चंस रखूंगा, और आज तीनों वीडियोस के क्वेश्चंस कंबाइन करूंगा, ठीक है। इससे आपकी ट्रिक भी रिवाइज होती चली जाएगी, आपकी वोकैब पे कमांड भी बनी रहेगी, और बहुत सारी वोकैब मैंने 2 वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दिया है, part 1 part 2 दोनों डले हुए हैं। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो वो दोनों पार्ट देख लो, क्योंकि उन दोनों से भी आज मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तीनों को मिला करके आज के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ट्रिक के बाद उसके क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस ही बताएंगे कि आपको ट्रिक समझ में आई या फिर नहीं। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वोकैब है हमारे पास वो है बेनाल, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे। अब बेनाल कैसे पढ़ेंगे? बेनाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना जो मैं ट्रिक इसके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए बेनाल अब क्या है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। आपने देखा है जब मुझे बोलना होता है इस चीज़ को, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। हम अगर हिंदी में बोलें किसी भी चीज़ को, हम यही कहते हैं, इसको मोबाइल कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ग्लास कहते हैं, इसको ये सब हम कहते हैं। लेकिन आपने कई जगह देखा होगा, जैसे यूपी साइड चले आप तो वो इसको नहीं बोलते, इसको की जगह पे बा बोलते हैं। बा ये है, बा मोबाइल है, बा ये है, बा वो है। क्लियर है ना? बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ देखिए जरा, ये रहा बा, बा और ये रहा नल। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, वो एक नल है, बा वो बा नल है। क्लियर हुआ? वो लैंग्वेज आपको मालूम होगी यूपी तरफ की आती है, बा नल है, बा कैसा है, बा कैसा है, सारा कुछ बोलते हैं। तो बनाल से आपको याद रखना है क्या, कि बा एक नल है। अब मुझे एक बात आइए, कोई भी इंसान अगर आपसे ये बोले कि बा नल है तो क्या बोल रहा है वो आपसे? भाई मुझे नहीं दिख रहा क्या वो नल है, वो सबको दिख रहा है कि वो नल है, सबके लिए वो बात बराबर है। मतलब वो कुछ बड़ी बात नहीं बोल रहा, तुच्छ सी बात बोल रहा है मुझसे, बहुत साधारण सी बात है, भाई नल है ना, बा नल है, तो सब मुझे ही मालूम है वो नल है। तो अगर वो ऐसा बोल रहा है कोई, तो बंदा तो कैसी बात कर रहा है, बहुत साधारण सी, बहुत तुच्छ सी, बहुत तुच्छ सी या फिर साधारण। क्लियर हुआ? और यही बेनाल का मतलब है, समझ पाए? बस आपको यही ट्रिक एक पकड़नी है, उसके बाद ये सारे वर्ड्स कनेक्ट हो जाएंगे।
और देखिए ट्रिक कहीं अलग से नहीं लानी है, उसी वर्ड से निकलना चाहिए वो सारा कुछ। तो बनल, बनल बिल्कुल मिला लो आपको वही वर्ड मिलेगा। तो बनल आप जब भी देखेंगे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ब एक नल है। और कोई बंदा ऐसा बोलेगा ब एक नल है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, ये तो बहुत छोटी सी, सबको मालूम है नल है, तो मतलब बहुत साधारण सी बात है, और साधारण सी बात है तो साधारण इसका मीनिंग है, और बनल का मतलब हो गया साधारण। क्लियर हुआ? अब जरा देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे शब्द मैंने लिखे हैं, आज इसी में यहीं पर आप 14 वर्ड्स रट लोगे, पता नहीं चलेगा आपको, आप इन्हें जब जब देखो आपको तुरंत इनका मीनिंग समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, बनल से आप यहाँ तक पहुँचेंगे साधारण तक, अब साधारण से इन तक कैसे पहुँचाना है वो मेरा काम है, बस देखते रहिए आप सभी के सभी। अब देखिए अगर वो कोई चीज़ साधारण है तो ये तो आपको मालूम है, मैं इसमें एफर्ट नहीं डालूंगा आपके लिए, क्योंकि कॉमन का तो मतलब ही होता है कोई चीज़ बहुत ही साधारण हो तुच्छ हो, उसे ही कॉमन कहा जाता है। क्लियर है ना? वो शब्द मत देखिए जो आपको मालूम है, आपका ध्यान उस शब्द पे होना चाहिए जो आपको नहीं मालूम है। क्लियर है? कॉमन तो हर किसी को पता है, कॉमन मतलब साधारण, तो इसे जाने दीजिए, शुरू होता है यहां से। क्लियर हुआ? यहां से हम शुरू करेंगे भाई। पहला वर्ड लिखा है हैकेनेड। अब ये आपने बहुत बार देखा है क्वेश्चंस में, लोग इसे बहुत कठिन लगता है लोगों को, पर आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, बस खत्म करेंगे उसे। यहां देखेंगे जरा ये क्या लिखा है, इसे ये हैक लिखा है, आप इसे हक्का कह लो भाई, हक्का। और ये लिखा है नई, है ना, तो पूरा लिख देता हूं मैं इसे, है ना, हक्का बक्का। हैक से याद रहेगा, हक्का हैकेनेड लिखा है, हैकेनेड, तो हक से याद रखो, हक्का बक्का होने की ज़रूरत आपको नहीं है, मतलब किसी बात पे आपको हक्का बक्का होने की जरूरत नहीं, मतलब वो बात कैसी होगी, बहुत साधारण होगी। तो अगेन हैकेनेड का भी मतलब क्या हो गया भैया, साधारण। क्लियर हो रहा है? उसी वर्ड से उसे वहाँ कनेक्ट कर दिया, है ना। ये आपको दिखेगा 12-13 मिनट का वीडियो, लेकिन यकीन मानिए इसे मेरा पूरा दिन लगा है आपके लिए बनाने में। क्लियर हुआ है ना? तो प्लीज़ जब मैं आपसे बोलता हूँ कि उनके आंसर दीजिए, जब क्वेश्चन पूछता हूँ तो अपने बारे में ना सोच करके, कम से कम मेरे एफर्ट के बारे में, मेरी मेहनत के बारे में सोच करके उसका आंसर दीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरी मेहनत पूरे दिन की आपके काम आई और आप उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो पूरा दिन मेरा लगा है इसे बनाने में, इसे ध्यान रखेंगे। और प्लीज़ आप देख रहे हैं वीडियो तो आंसर ज़रूर करें उसके, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं कि ऑसम लगा या कैसा लगा, आप सिर्फ आंसर लिख दो वो काफ़ी है मेरे लिए, मैं समझ जाऊंगा आप जितने आंसर देंगे आप जितने लोग, वो मेरे लिए बहुत पॉजिटिविटी होगी, है ना। तो मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाने के लिए और फिर रहूँगा, है ना, मुझे लगे कि हाँ मुझे और लाने आपके लिए। क्लियर है ना? तो प्लीज़ देख रहे हैं आप तो ज़रूर वहाँ पर मुझे आंसर करेंगे। तो हैकेनेड से आपको याद रखना है, हैक दिख गया वो बात ही खत्म, हैक दिख गया तो हक्का बक्का होने की जरूरत नहीं है। अब अगर किसी बात पे हक्का बक्का होने की जरूरत नहीं है, मतलब वो बात कैसी होगी भाई, साधारण सी। यानी हैकेनेड का मतलब वही है जो बेनाल का, जो कॉमन प्लेस का। क्लियर हुआ? आ जाओ इस वाले में, यहाँ देखिए प्रोजैक लिखा हुआ है, आप यहाँ पे प्रो से उठा लो प्रोफेशनल, है ना, प्रो तो नहीं कहते, प्रोफेशनल्स को ही कहते हैं, और ये उठा लो यहाँ पर सही लिखा है, प्रोजैक सही है तो इसे लिख लो सही, है ना। तो क्या लिखा है मैंने, प्रोफेशनल्स हमेशा सही होते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ ये बात बिल्कुल सही है भाई, तब उसकी हर बात सही है, प्रोफेशनल सही क्यों होंगे, क्योंकि तभी तो प्रोफेशनल्स हैं, वरना फिर वो सही क्यों होंगे। तो प्रोफेशनल हमेशा सही होते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, प्रोफेशनल सही ही होता है तभी तो प्रोफेशनल कहलाता है। तो ये भी कैसी बात कह दी किसी ने, साधारण सी बात। यानी कि प्रोजैक का मतलब भी क्या होता है, हैकेनेड मतलब बनाल, मतलब कॉमन, मतलब साधारण। पल्ले पड़ा आपके, उस वर्ड से उसका मीनिंग निकल रहा है, या देख लीजिए, हक्का बक्का होने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई साधारण सी बात है, प्रो प्रोफेशनल सही होते हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं, प्रोफेशनल सही इसीलिए होता है क्योंकि वो प्रोफेशनल कहलाता है, उसमें माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है, इसलिए तो वो सही होता है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, कोई नई बात नहीं कही, साधारण बात है। अगला देखो यहाँ पर ट्राइट, बहुत ध्यान से देखना भैया ना, बड़ी बड़ी शब्द हैं लेकिन आपको चुटकियों में याद होंगे सारे के सारे, बस मुझे सुनते आइए। आपको दिख रहा है यहाँ पर ट्राई, इस वर्ड को कैसे समझोगे, ऐसे ट्राई की स्पेलिंग शुरू होती है टी से, ठीक है, और भी वर्ड्स मिलेंगे ध्यान से देखिए, एक ट्राइड वर्ड भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप यही मत अटेम्प्ट कर देना कि ट्राई की स्पेलिंग होती है डी से। क्लियर हुआ? ये वर्ड अलग, ये वर्ड अलग, आपको यही वाले में ये चीज़ मिलेगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर ट्राई से तो बहुत सारे वर्ड शुरू होते हैं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर हुआ? ये सिर्फ यहाँ पर ट्राई है इसलिए ऐसा हुआ। तो ट्राई यहाँ पर क्लियर कर लो इसको, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना, बस आप सुनते हैं मुझे। तो ट्राई वर्ड कहाँ से शुरू होता है, स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है, टी से। हाँ भाई सबको दिख रही, टी से शुरू होती है, इसमें कौन सी नई बात थी, इसमें भी कोई नई बात नहीं थी, मतलब ट्राई भी कैसा वर्ड हो गया, ट्राइड भी एक साधारण वर्ड, यानी इसका मतलब भी क्या हो गया, बेनाल। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, बेनाल। ट्राई की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, कोई बड़ी बात नहीं थी, सभी को दिख ही रहा है वो, तो भी वो क्या पुरानी बात है, यानी तुच्छ सी बात है, यानी साधारण सी बात है। अगला देखो यहाँ पे फ्री वलस, यहाँ दिख रहा है फ्री से, इसे याद रख लो फ्री, और ये वलस यानी कि बोलो, दिख रहा है बोलो यानी कि बोलो, फ्री बोलो। अब फ्री तो हर कोई बोलता है, वो तो हमारे पास राइट्स है, तो इसमें कोई नई बात तो नहीं कर दी किसी ने, फ्री तो हम सब बोलते ही बोलते हैं, मैं भी फ्री बोल रहा हूँ, आप भी फ्री बोलते हो, जो कमेंट करते हो फ्री बोलना होता है, मैं जो बोल रहा हूँ फ्री बोलना होता है, ये तो हमारे पास हक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं, तो बहुत पुराना लिखा हुआ है हमारे संविधान में, है ना, हमारे पास राइट टू स्पीक है, पता है स्पीच है हमारे पास सारा कुछ, तो फ्री बोलो
मतलब भी क्या हो गया, तुच्छ या फिर साधारण सी बात, ये तो सभी को पता है कि हम फ्री ही बोलते हैं। अगला देखेंगे यहां पर वेपिड। वेपिड को कैसे याद रखोगे, यहां देखिए वे यानी कि वह, पिड यानी कि पिट, वह पिट रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से, वो हमेशा से पिटता आ रहा है, वो पिटता ही रहता है, ठीक है, पिटता ही रहता है का मतलब क्या होगा, मतलब फिर कोई नई बात नहीं है, जब पिट रहा है तो फिर हमेशा से पिट ही रहा होगा, तो कोई नई बात नहीं है। अगेन वापस इसका मीनिंग क्या हो गया, साधारण, मतलब ये साधारण सी बात है, वो हमेशा ही पिटता ही रहता होगा, मार खाता ही रहता होगा, तो वह पिड यानी कि वह पिटता रहता है, बस ऐसे ही याद रखिए इसको, है ना, यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, वह पिड, क्लियर हुआ, शब्द देख करके मीनिंग मतलब मिल जाए तो मजा आ जाता है उसका भाई, तो वह पिड, वो पिट रहा है, मतलब कोई नई बात है, पिटता रहता है, मतलब वो नया नहीं है, पुराना ही है इसको। अब ये देखो स्टीरियोटाइप्ड, बहुत लोग को स्टीरियो का मतलब मालूम होता है पर हम जाने देते हैं मतलब को, हम इसे ट्रिक से ही पढ़ेंगे। आपको साफ साफ कहा गया है, यहाँ देखिए जरा शब्द की तरफ, स्टीरियो को आपको टाइप करना है, तो क्या आप नहीं कर दोगे, टाइप करने के बोलो, लिख दोगे टाइप, होगी बात खत्म, कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब ये बिल्कुल कैसी बात थी, साधारण सी बात, तुच्छ सी बात थी, क्लियर हुआ। स्टीरियो टाइप करने बोलेगा तो कोई भी कर देगा, कर दिया टाइप, ये हो गया खत्म, कैसी बात हुई, ये भी साधारण, समझ पाए, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो स्टीरियो को टाइप करके दिखाओ, दिखा दिया भैया लो, कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत तुच्छ सी बात थी, साधारण सी बात थी, तुच्छ सी बात थी, साधारण सी बात थी, लिख दिया स्टीरियोटाइप। आगे देखिए यहाँ पर एक्सोटेरिक, इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे मैं बहुत सारे वर्ड्स अभी कनेक्ट करूंगा आपके लिए, कुछ और वर्ड्स हैं मेरे पास के लिए, आप इतना सिर्फ ध्यान रखिए कि जो एक्स जब भी आपको जब भी दिखेगा, जब मैं बताऊंगा अभी कब कब के लिए, आपको एक्स से समझना है ये वाला एक्स यानी कुल्हाड़ी, ठीक है, ये वाला एक्स, एक्स से आप यहां पहुंच जाइए। अब यहां देखिए एक्सोटेरिक लिखा है, एक्स जो होता है, एक्स ओ यानी कि ऊपर से, ऊपर से टेढ़ा होता है, हाँ बिल्कुल टेढ़ा होता है, तो एक्सोटेरी मतलब, एक्सोटेरिक मतलब एक्स यानी कि कुल्हाड़ी ऊपर से टेढ़ी होती है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये कोई नई बात नहीं है, तो ये भी तुच्छ सी बात हुई, ये भी साधारण सी बात हुई, क्या मेरी बात क्लियर हुई। अभी इस पर ध्यान रखना इस वाले वर्ड में, बाकी सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इस पे, अभी ये और भी लिखूंगा मैं आपके लिए, क्लियर हुआ। आगे सुनिए यहाँ पर, अब इन दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे आप, पेटी और स्टेल, यहाँ पर से पेट उठा लो और यहाँ पे से टेल उठा लो, तो हर पेट की टेल होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई नहीं बात, बड़ी बात है भाई, हर पेट की टेल होती है, जो भी पेट हम पालते हैं लगभग उनकी टेल तो होती ही होती है, और अगर ऐसा है तो फिर कोई नई बात नहीं है क्योंकि तो हमने हमेशा सुना ही हुआ है, तो ये भी कैसी बात हुई, तुच्छ सी और छोटी सी बात किसी ने बोल दी भी कि पेट की टेल होती है, तो पेटी हो स्टेल हो दोनों का मतलब क्या होता है, तुच्छ या फिर साधारण। हाँ लेकिन यहाँ देखो जरा विविड को देखिए, वेपिड तो याद है ना, वेपिड ये रहा कहाँ चला गया, ये रहा वेपिड, वह रोज पिट रहा है, तो कोई नई बात नहीं, जब पिट रहा तो फिर वो साधारण सी बात है, जब उसके लिए रोज साधारण की बात है, वो रोज पिट रहा, तो लेकिन अब देखो विविड लिखा हुआ है, अब क्या करोगे, विविड स्पेलिंग को अगर मैं देखूँ तो देखिए जरा दो बार वी लिख दिया भाई, अब दो बार वी लिख दिया मतलब ये साधारण शब्द नहीं रहा, क्लियर हुआ, ये साधारण नहीं है, तो ये कैसा शब्द दिख रहा है भैया, असाधारण, और इसका मीनिंग भी कैसा हो गया, असाधारण, यानी वेपिड का उल्टा क्या होता है, विविड, बैनाल का उल्टा क्या होता है, विविड, बैनाल का जहां मतलब साधारण है वहां विविड को देखता हूं तो दो दो बार वी लिखा है, दो बार वी वी लिख करके इसे असाधारण बना दिया है, क्लियर हुआ, तो विविड का मतलब क्या, असाधारण, ठीक है। और यहां देखो रेसी, हमने तो भैया स्पेलिंग पढ़ी थी, आर ए सी ई होता है वहां पे, ई नहीं आता, लेकिन उन्होंने क्या किया, ई की जगह पे लिख दिया है वाई, यानी इसे भी बना दिया कैसा, असाधारण, उल्टा लिख दिया है, तो ये भी कैसा बन गया, असाधारण, तो ये भी इन सबका उल्टा। और ये देखिए जरा ओरिजिनल, कॉमन में और ओरिजिनल में फर्क ही यही है, कॉमन मतलब उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ओरिजिनल क्यों कहते हैं उसे, ओरिजन, ओरिजन, यहां देखिए जरा ओरिजन यानी जहां से कोई चीज बनी बस, है ना, मतलब वही चीज जो सबसे पहले है और उसकी जैसा दूसरा नहीं है, इसलिए तो ओरिजिनल है, वरना तो वो कॉमन हो जाएगा, क्लियर हुआ, ओरिजिनल, ओरिजिन, जहां से ओरिजिन मतलब निकलना वहां से, क्लियर हुआ। तो फटाक से एक बार रिवीजन करेंगे इसका, बहुत सारे शब्द हमने यहाँ पे पढ़े हैं, एक बार मेरे साथ देखेंगे, यहाँ पर देखिए बैनाल, बैनाल को ऐसे याद रखना है, ब एक नल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सभी को मालूम है कि अगर वो नल नल दिख रहा है तो तुच्छ साधारण सी बात हुई, फिर इससे हमने सारे शब्द कनेक्ट किए। अब आप कोई भी उठा लो आपका ऐसा हो नहीं सकता कि वो याद नहीं हुआ, कॉमन मतलब साधारण होता है, उसको छोड़ा था हमने। हैकनेड, हैक यानी कि हक्का बक्का, होने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं जब आपको हक्का बक्का होना है, साधारण सी बात होगी तभी ऐसा है बोला उसने किसी ने। प्रोजैक, प्रो जैक, प्रो यानी प्रोफेशनल, हमेशा सही होते हैं, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो सही क्यों क्यों सही होते हैं, क्योंकि हमेशा प्रोफेशनल होते हैं इसलिए। ट्राइक, ट्राई की स्पेलिंग टी से शुरू होती है, तो भाई वो तो सभी को दिख रहा है, तो कौन सा नया बात बोल दिया आपने, ट्राई की स्पेलिंग टी से शुरू होती है तो मतलब ये साधारण बात हुई, इसका भी मतलब क्या हो गया, बैनाल। भाई फ्री वोलस, फ्री बोलो, कोई नया नहीं है, मालूम है ना हमारे संविधान ने बहुत समय से लिखा हुआ, और हमें मालूम है कि हम फ्री ही बोलते हैं हमेशा से, तो अगेन कोई बड़ी बात नहीं बोली, तुच्छ सी बात है, साधारण सी बात है, सेम मीनिंग। वेपिड, वो हमेशा से पिटता ही आ रहा है, तो उसके लिए भी कोई नया नहीं है, वो साधारण सी बात हुई, साधारण इसका ही मतलब। स्टीरियो टाइप करके दिखाओ, लिख दिया भाई, हो गया टाइप, खत्म बात, तो स्टीरियो टाइप कर दिया,
मतलब ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, टाइप करना इसको बड़ी बात है क्या? नहीं है ना, साधारण सी बात है ना, इसलिए इसका मीनिंग भी कैसा होगा? साधारण। अब यहाँ पे एक्सोटेरिक मैं क्या बोला था, एक्स हमेशा कुल्हाड़ी याद रखना, एक्स ओ यानी कि ऊपर से टेढ़ी होती है। हाँ बिल्कुल होती है, देखो ऊपर से टेढ़ी है, क्लियर हुआ? तो ये भी सही बात है, सभी ने देखी कि टेढ़ी होती, भाई कोई नई बात नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हो गया? साधारण। और यहाँ पे देखिए पेटी और स्टील मैंने एक साथ कहे थे, पेट हो गया कैसा, हर पेट के होते हैं टेल, तो इसका मतलब क्या हुआ? हर पेट के होते हैं टेल, तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी, हर पेट के टेल होते, तो पेटी और स्टील दोनों की मीनिंग क्या हो गया? साधारण। क्लियर हुआ? हर पेट के टेल होते हैं हमें मालूम है, जब हमें ये मालूम है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब नई बात नहीं है तो साधारण सी बात है, तुच्छ सी बात है, पेटी और स्टील। अब यहां देखिए तीन शब्द अलग से मैंने बताया, विविड, भाई दो दो बार वीवी लिख करके इसे बना दिया असाधारण, ठीक है, तो विविड मतलब हो गया असाधारण। और रेस की स्पेलिंग में ई आता है, वाई नहीं, तो ई होता तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन वाई लगा के इसे भी उल्टा बना दिया हमने, तो ये पढ़ा था ई नहीं वाई, ई आता है वाई नहीं, तो ये भी हो गई असाधारण। और ओरिजिन तो उसे ही कहते हैं भाई जो अपने आप में एक हो, साधारण ना हो, क्योंकि साधारण हर चीज कॉमन नहीं, कॉमन तो वो मतलब बहुत सारी छपी पड़ी है, ओरिजिन मतलब क्या, वो सिर्फ एक पड़ी हुई है, क्लियर है? मतलब ये तीन हुए इस बेनाल के एंटोनिम्स, और ये सारे के सारे जितने भी लिखे हैं यहाँ भरे पड़े, ये सारे हुए इसके सिनोनिम्स। क्लियर है गाइज, है ना? तो इसके क्वेश्चंस के लिए आपको बिल्कुल लास्ट तक इसे देखना है, सबसे मेन इस पे जो क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ उसे अटेम्प्ट करिए, अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो आप वो क्वेश्चन वहाँ देख के ही कर लोगे। क्लियर हुआ? ठीक है, आइए देखते हैं अगली वाली वोकैब। तो ठीक है, ये रही हमारी अगली वोकैब, बहुत सारे शब्द हैं पर डोंट वरी, ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे एक बार में खत्म हो जाएंगे, सिर्फ देख करके आंसर करोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके ही खत्म होते ही मैं आपके पास सारे वीडियोस, अभी तक जितने तीन वीडियोस डले वो कैप के, सबको मिला करके कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट अभी तक का वही होगा, क्योंकि अब आपकी असली टेस्टिंग होगी, आपने जितनी वो कैप अभी तक मुझसे पढ़ी है आपको कितनी याद है। ठीक है, मैं हालांकि उसमें लिख दूंगा कि ये पार्ट वन से है, ये पार्ट टू से है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा और आप पहली बार इसको देख रहे होंगे, तो वो कैप सॉल्व करने से पहले आप उस पार्ट को देख लेना। क्लियर हुआ? है ना, आपको रिवाइज करना है, सिर्फ ट्रिक को करिए, आप शब्द तो इतने सारे पढ़ लोगे कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लाता रहूंगा, बशर्ते आपको वहाँ पे कमेंट करता रहना। तो अगला है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कैस्टिगेट, और ये ढेर सारे शब्द, इनमें से कुछ होंगे सिनोनिम्स, कुछ होंगे एंटोनिम्स, हमें उन्हें को ढूंढना है, फटाफट से इसकी मीनिंग समझना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कैस्टिगेट। अब कैस्टिगेट को कैसे याद रखना है, यहाँ देखेंगे जरा, कास्ट दिख रहा है यानी जात पात, और ये दिख रहा है गेट यानी दरवाजा, तो इसको कैसे याद रखना है, ऐसे याद रखना है इसे, जब भी कोई कास्ट की गेट को पार करेगा, मालूम है ना आपको, मालूम है जात पात से लोग जब थोड़ा सा वो जाते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले भाई एक बात बिल्कुल ध्यान सुन लीजिए, यहाँ के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, तो कृपया करके इसे घर पे ट्राई मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्म हो रहा है ये आप मेरे गाइडेंस में कर रहे हो, है ना, तो डोंट ट्राई दिस एट होम। क्लियर हुआ? इसका आपकी वास्तविक जीवन से कोई फर्क नहीं है, हम सिर्फ ट्रिक बना रहे हैं इसे याद करने की और कुछ नहीं, है ना, तो प्लीज यहां सुनेंगे से, भले ही जात पात की बात हो रही तुम्हें, तो सारे पात्र काल्पनिक हैं। कैस्टिगेट कैसे, एक ट्रिक क्या बताई मैंने इसकी आपको, कि कास्ट की दीवार, कास्ट के गेट को जो पार करेगा उसे तो खाप पंचायत, मालूम ना सभी को, वो गांव में चलती खाप पंचायत, आप सभी ने पढ़े होंगे एग्जाम न्यूज़पेपर वगैरह में, तो कास्ट यानी जात पात की गेट को जो पार करेगा यानी उसकी हद को जो पार करेगा उसे दिया जाएगा दंड, यानी कि पनिश किया जाएगा उसे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? उसी वर्ड में उसका मीनिंग छुपा हुआ है भाई, कास्ट की कैस्टी, कास्ट की गेट को जो पार करेगा यानी उसकी बाउंड्री को जो लांगेगा, उससे बाहर जाएगा, कोशिश करेगा, तो खाप पंचायत उसे क्या करती है, पनिश करती है। खाप पंचायत मालूम है ना, गांव में चलती है, वो टांग देती थी लड़का लड़की को, भाग जाते तो वही वाले हैं, है ना, तो वो कैस्टिगेट मतलब, कैस्टिगेट मतलब क्या होता है, पनिश करना, है ना, कुल मिलाकर समझ गया, कैस्ट गेट को जो पार करे उसे क्या करते हैं, वो लोग उसे क्या कहते हैं, पनिश, है ना, कि जो पार करेगा उसे पनिश किया जाएगा। अब इतने सारे शब्द हैं, फटाफट से सुनिए, जल्दी से खत्म करेंगे। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए भाई, कास्ट की गेट यानी जात पात की दीवार को तो पार वही बंदा करेगा जिसके मन में, जिसके सीने में होगा चोर, यानी कि सेन श्योर, सेन यानी कि सीना, श्योर यानी कि चोर। क्लियर हुआ ना? यहां सुनिए, कैस्टी गेट, कास्ट की गेट को पार करे जो, उसे तो पनिश करना ही पड़ेगा, तो उसे पनिश कर दिया यहां पर। अब भाई कास्ट की गेट को पार ही कौन करेगा, जिसके सीने में होगा चोर यानी कि सेंश्योर, सेंश्योर का ही मतलब क्या होता है, पनिश करना, मतलब क्या होता है, कैस्टिगेट करना। क्लियर हुआ? ये बिल्कुल ट्रिक वहां जुड़ गई। अब ध्यान सुनिए भाई, उसके मन में चोर आया, ठीक है, अब यहां पर देखिए जरा, पहले रिप्रीहेंड और ये रिप्रीमेंड, ठीक है, दोनों शब्दों को देखना है यहां पर, यहां पर आप देखिए जरा, दोनों में रिप्री रिप्री तो दोनों में बराबर है, यहां पर मैन लिखा है और यहां पर हैंड लिखा है, इसे एच ई एन डी लिखा है, लेकिन आप हैंड समझना बस, हाथ वाला, ठीक है, इतना। अब देखिए इसको और थोड़ा देता हूं, प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले,
है ना, बिल्कुल पहले बार जब हुआ है। और री का मतलब क्या होता है? दोबारा। यहां पर भी इसका मतलब क्या है? दोबारा। प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब पहले, और री का मतलब दोबारा। अब यहां ध्यान ध्यान से, अगर उस आदमी ने यह काम पहली बार किया है तो वो पहली बार हाथों से पिटेगा, और अगर उस आदमी ने यह काम दोबारा किया है तो वो दोबारा इसी हाथों से पिटेगा। मेरी बात समझ में आई? देखिए जरा दोनों शब्दों को कैसे कनेक्ट किया है। यहां पर मैन था, यहां पे हैंड था, रिप्री रिप्री दोनों में था। प्री मतलब पहले होता है, तो अगर उस आदमी ने ये काम पहली बार किया है, ये जो गेट ऐसे पार किया है, तो पनिश तो होगा लेकिन पहली बार होगा, पहली दफा, और पहले हाथ से, पहली बार हुआ, जब पहली बार ऐसा करेगा तो पहली बार हाथ से पिटेगा, और अगर दोबारा ऐसा करेगा तो दोबारा पिटेगा उसी हाथ से। क्लियर हुआ? तो रेप्रीहेंडो रेप्रीमेंडो दोनों का ही मतलब क्या होता है? पनिश करना होता है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो, अगर मैन जब जब ये काम करेगा तब तब वो मेरे हाथों से पिट रहा होगा। क्लियर हुआ? ये देखिए दोनों शब्द कनेक्टेड यहां पर। तो मैन पहले करे तो पहली बार पिटेगा, दूसरी बार करेगा दूसरी बार ही पिटेगा। और यहां पर मैंने क्या कहा आपसे कि अगर ऐसा है तो फिर मैन जब जब ये काम करेगा तब तब वो मेरे हाथों से पिटेगा। यानी मैन हैंडलिंग भी होता है किसी को पनिश करना, है ना, तमाशा खड़ा करना, किसी को बेवजह परेशान करना। समझ गया ना ये सारा कुछ? इतना था। अब ध्यान सुनिए भाई, जब भी वो ऐसा कर रहा मैं उसे पीटूंगा तो जरूर, लेकिन बात है कि उसके मन में तो चोर था, वो तो भाग गया था उसे। तो जब वो भाग रहा था, जब वो भाग रहा था तो बनी बात है अब पड़ेगी, अब वो जहां भी छुपा होगा। और अगर मुझे मालूम चल गया, आपने सुना ना रेड मूवी आई थी, सपोज करो वो यूपी में छुप चुका है, यूपी बिहार में छुपा हुआ है, ये यूपी ये बिहार छुपा हुआ है, तो यूपी में ही, अभी जानते हो ना पिक्चर आई थी रेड, और वो रेड मूवी थी भी कहां के लिए बनी हुई? यूपी में ही। क्लियर हुआ? तो ये रेड पड़ना भी क्या होती है? पनिशमेंट देने के लिए ही पड़ती है रेड भी। तो यूपी में जब ये रेड मूवी से आपको याद रहेगा, तो वो बंदा जो भागा था किसी लड़की को लेकर के, अगेन वास्तविकता से इसका कोई लेने देना नहीं है, हम इन्हें सिर्फ पढ़ रहे हैं अपने ट्रिक के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो यूपी बिहार वो रेड मूवी आई थी, तो उसमें भी क्या हो रहा था, उस बंदे को पनिश किया गया था। तो अपब्रेड, इसे कहते हैं अपब्रेड, अपब्रेड। तो यूपी आप इसे तोड़ तोड़ के पढ़ना, ऐसे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो रेड कर रहे हो मतलब वैसे ही पनिश दे रहे हो उसे। तो वो बंदा भाग गया भाई कहीं, जैसे कि अभी एक धड़क मूवी भी आई हुई, आपने देखा भी, धड़क मूवी में कोलकाता लेके भाग जाता है, बाद में उसका भाई वहां पे आता भी है उसको लेने के लिए, वो भी रेडी है एक तरह की, वो ढूंढ लिया उसने वहां पे। अब क्या करेगा आपने देखा उसमें क्या होता है, फिर जैसे ही वो ढूंढ लेता है तो फिर अब देखो चेस कर लिया, चेस ही कर रहा था, उनके पीछे पीछे भाग रहा था बहुत समय से रेड पड़ी, फिर चेस करते करते वहां पहुंचा। अब जैसे ही ढूंढ लेगा, चेस मतलब उनको दौड़ते दौड़ते पीछे पीछे, तो 10 डंडियां मारेगा। क्लियर हुआ? तो चेस 10 भी मतलब क्या हो गया ये, और थोड़ी देर अब वहाँ अब ये डंडे मारेगा, थोड़ी देर वहाँ पर डिशुम डिशुम चलता रहेगा, अब डिशुम डिशुम उसको देंगे मिला करके, बनी बात है। तो ये भी हो गया पनिश करना। इतना क्लियर हो रहा है सभी को? अब ध्यान सुनिए, अब जब इतना हो चुका है तो ट्रॉन्स, तो अब तब, तब टी यानी कि तब, रोना, रोने से क्या फायदा, रोने से, तब रोने से अब क्या फायदा, पल्ले पड़ रही बात, यानी कि ये भी क्या हो गया पनिश। रो क्यों रहा बंदा? क्योंकि पनिश किया गया उसे। समझ गए? इतना सारा कुछ हुआ ना, पिट गया, तो फिर रोने से अब क्या फायदा? पहले ही सोचना था, पहले ही नहीं पार करते दीवार को तो नहीं होता है सारा कुछ। अब यहां देखिए भाई लास्ट वाली चीज, और उससे पहले थोड़ा सा, तो भाई आपने देख लिया, मैन पहली बार करे तो पहली बार हाथ से पिटेगा, दूसरी बार करेगा तो फिर से उसी हाथ से पिटेगा, कुल मिला के मैन हाथ से पिटेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैन ऐसा नहीं करता है तो मैं उससे बोलूंगा कम मैन, आओ मेरे साथ बैठो। मतलब ये तीनों शब्द इसके तो सिनोनिम है, समानार्थी हैं, लेकिन ये तीनों शब्द इसके एंटोनिम यानी कि इसके उल्टे हैं। क्लियर हुआ? सब में देख लीजिए, मैन 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 मैन, पहली बार पिटेगा, दूसरी बार पिटेगा, कुल मिला करके मैन जब जब भी गलती करेगा तब तब पिटेगा, लेकिन अगर वो गलती नहीं करेगा तो मैं उसे बुलाऊंगा कम मैन, यानी कमेंड होता है इन सबका उल्टा। क्लियर हुआ? कमेंड होता है इन सबका उल्टा। आगे चलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए जरा। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको थोड़ी देर पहले, एक्स को हमेशा याद रखना आप कुल्हाड़ी से, ये बोला था मैंने आपसे, कुल्हाड़ी से इसे याद रखेंगे। और उससे पहले मैंने आपको ये शब्द समझाया था, आप तीनों शब्दों को एक साथ देख लो और आप खत्म कर लो कन्फ्यूजन अपना हमेशा के लिए। एक है एक्सोटेरिक जो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और अभी मैं बता रहा हूं आपको एक्सकोरिएट, और एक लिखा है एक्सोनरेट एक्सकोरिएट। अब पहले यहां देखो, एक्स मतलब तो कुल्हाड़ी हो गई, ये को बोलो को हिंदी वाला, और ये एट मालूम है ना, ईट से बना एट, ईट से बना ईट, ईट मतलब खाना, तो एट मतलब भी खाना। अब भाई अगर तुम लेकर के भागोगे किसी को, किसी की लड़की को, तो बनी बात है तुम्हें कुल्हाड़ी को खाना पड़ेगा, कुल्हाड़ी को खाना पड़ेगा, पकड़ लिया ना। अब वो क्या बोल रहा है भाई, अब तुम कुल्हाड़ी को खाओगे, और ऐसे करके फेंक के मार देगा उसे। क्लियर हुआ? लेकिन मान लो अगर तुम ऐसा काम नहीं करते हो तो तुम कुल्हाड़ी को नहीं खाओगे। समझ पाए? यही एक्स है यही वाली, लेकिन अब देखो यहाँ पे को खाओगे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ देखो ना लिख दिया, मतलब कुल्हाड़ी को नहीं खाओगे, मतलब वो बंदा पनिश नहीं हो रहा है, मतलब वो साफ मन का है, मतलब ये तो है
ये तो है इसका सिनोनिम, और बिल्कुल इसी के साथ दिखने वाला ये शब्द है इसका एंटोनिम। समझ में आई मेरी बात? ये होती है ट्रिक के दम। कोई भी शब्द कितनी भी गहराई में कितनी भी हो, आप उसे आराम से पकड़ लेंगे। और अगर यही मैं पिक्चर की हेल्प से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा, आप कभी नहीं पकड़ पाओगे, बल्कि कन्फ्यूज अलग हो जाओगे। अगर ए में इसको दे दूं, बी को इसमें दे दूं, आपको याद ही नहीं आया कौन सा वाला था। लेकिन जो ट्रिक अभी मैंने अपनाई, आपको सीधे सीधे यहाँ पे ना दिखेगा, आप समझ जाएंगे। एक्स कुल्हाड़ी नहीं पड़ेगी, नहीं खाएगा बंदा, तो मतलब अब उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर को है तो वो खाएगा, मतलब अब उसे पनिशमेंट मिलेगी। समझ पाए सभी के सभी? कमेंड ये सब। अब यहाँ देखो, फॉर गिव तो सभी को मालूम होता है, फॉर गिव यानी मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्षमा, तो ये तो सारे उल्टे, ये सारे के सारे पनिशमेंट थे। फॉर गिव जो आपको मालूम उन पर ध्यान नहीं देना आपको, ठीक है। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ही पता आपको, अवार्ड की तरह ही होता है, एक वो अवार्ड की तरह उसे अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ देखिए जरा, लॉर्ड लिखा, ये लाउड नहीं है, लॉर्ड है ना, ये लॉर्ड है, लॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ से लॉर्ड से आप समझ लो उसे लॉर्ड, तो लॉर्ड भी बंदे को कब किया जाएगा, जब उसने कोई गंदा काम ना किया हो, ठीक है, तब उसे लॉर्ड किया जाता है। और भाई कॉम्प्लीमेंट देख लो यहाँ पर ध्यान से, आप कॉम्प्लीमेंट की दो स्पेलिंग याद रखिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट भी आपको पता है, जो चीज़ आपको मालूम है उसमें मेहनत नहीं करनी है हमें। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में दो स्पेलिंग होती है, एक में यहाँ पर आई आता है और एक में यहाँ पर ई आता है ना। तो अब मुझे ये बताइए कौन सा वाला पनिशमेंट वाला नहीं, कौन सा पनिशमेंट का उल्टा है। इतना ध्यान रखना, जो आई वाला होता है, आई यानी कि मैं, तो आई वाला जो है वो तारीफ करने के लिए होता है, और जब ई लग जाता है तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है ये? एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है। क्लियर है गाइस? ये एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट तारीफ करने। अब यहाँ देखिए जरा, फ्लैटर को याद कर लीजिए और खत्म करते हैं वीडियो अपना। फ्लैटर, अब वो बंदा अगर पहले से फ्लैट में डर डर के रह रहा है, तो क्या उसको पनिश करने की जरूरत है? नहीं, वो पहले से डरा हुआ है तो वो पनिशमेंट नहीं लेगा वो। क्लियर? वो तो निकला ही नहीं ना बेचारा, तो फ्लैट में अपने घुसा है वो, कहीं कुछ नहीं भाग रहा कहीं किसी से, वो अपने घर पे, कोई एक नॉर्मल बंदा है वो अपने घर पे पड़ा हुआ चुपचाप, वो भी डर डर के, उसको क्या पनिश करोगे बेचारे को। क्लियर हुआ गाइस? फटाक से एक रिवीजन करेंगे और जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे। कैस्टिगेट, 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 कास्ट की गेट को जो तोड़ेगा उसे करेंगे पनिश्ड, ठीक है। आपने देखा कि जिस पनिश कौन होगा, जिसके सीने में होगा चोर यानी कि सेंश्योर, ठीक है, सेंश्योर, जिसके सीने में हो चोर वही इसकी दीवार को पार करता है। भाई अगर ऐसा है तो अब वो बंदा, बंदा अगर पहले पहली बार कर रहा है तो पहली बार हाथ से पिटेगा, प्री हैंड, और अगर दूसरी बार कर रहा है तो फिर दूसरी बार उसी हाथ से पिटेगा, कुल मिला करके मैन हाथ से पिटेगा। और लेकिन अगर वो ऐसा काम नहीं करता है तो फिर मैं उसे बुलाऊंगा, कम मैन मेरे साथ बैठो और चाय पियो बढ़िया बढ़िया से, उसे लाड करूंगा, आपको दिख रहा है, उसे क्षमा करूंगा। फॉरगिव तो आपको पता है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मैंने आई और ई वाला बताया, आई वाला होता है तारीफ वाला, ई वाला होता है सपोर्ट करने वाला, ठीक है। अब रिवार्ड, बनी बात है, अगर ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है, लाड कर रहा हूँ, तो रिवार्ड दूंगा, अवार्ड दूंगा उसे। एक्सोनरेट, एक्स वाला, ये मैंने बताया। भाई यहाँ पे आ जाते हैं, भाई अगर वो लेके भागा है तो बनी बात है यूपी में, यूपी या बिहार में कहीं छुपा होगा, तो वहाँ रेड पड़ेगी, मैं उसे ढूंढ लूंगा ऐसे चेज करते हुए, और जैसे ही ढूंढ लूंगा तो 10 डंडे पड़ेंगे वहाँ पे बढ़िया से, और डिचुम डिचुम होगा थोड़ी देर के लिए, और फिर वो रो रहा होगा, तब मैं उसे कहूँगा तब रोने से क्या फायदा, यानी ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? और ये एक्स को रेट और एक्स नेट मालूम है, एक्स को अब मैंने पकड़ लिया तो बोलूंगा अब तुमको कुल्हाड़ी खानी पड़ेगी, कुल्हाड़ी एक्स को रेट, एक्स को खाना पड़ेगा तुम्हें, कुल्हाड़ी खाना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं किया तो एक्स को तुम्हें नहीं खाना पड़ेगा, यानी तुम बढ़िया हो, तुम्हें पनिश नहीं कर रहा हूं। क्लियर हुआ गाइस? फ्लैटर, फॉरगिव, सारा कुछ। और एक एक्स, ये पहली बार बताया था मैंने, याद है आपको, ये भी कुल्हाड़ी है, ये भी कुल्हाड़ी है, लेकिन मैंने इसके लिए क्या बताया था, एक्स ऊपर से टेढ़ी होती है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये साधारण सी बात है। क्लियर हुआ? तो देख लो तीनों में एक्स 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 है ना, एक्सो एक्सो ये भी है, लेकिन देखो आप मीनिंग कैसे बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो चलिए गाइस फटाफट से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए सारे तीनों वीडियो से मिलाकर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसके लिए परेशान मत होइए, ये आपको फायदा दे रहा है ना, और अगर आपको कहीं फंस जाओ तो इसे वापस से करना है, ठीक है। जल्दी से करते हैं वीडियोस पे क्वेश्चन फटाफट, ठीक है दोस्तों। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे पास, कि आपको बताना है फाइंड द एंटोनिम ऑफ कर्टेल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, ये वीडियो नंबर part 1 से, तो अगर आपने पहली बार देखा तो इस वीडियो को देख लेना। ये चार ऑप्शन है, पढ़ देता हूँ, अब्रिज, डिमिनिश, इलोंगेट, स्मॉल और रिट्रेंच। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ABCD, जो भी आंसर हो नंबर वन करके आप ऑप्शन करके वहां पे आंसर मुझे कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर टू। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप उसे पॉज करके आराम से क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, अभी इससे पहले वाले में एंटोनिम पूछा था, इस वाले में आपको सिनोनिम यानी समानार्थी बताना है किसका, कर्ट का। ये वीडियो भी, ये क्वेश्चन भी part 1 से ही पूछा गया है, पहली बार देखा तो उस part 1 को देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन है सिविल, कोर्टियस, डेबोनायर, अफेबल और ब्रस्क, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कर्ट का समानार्थी है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास, है ना। ये मिलेगा वीडियो नंबर टू में आपको, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लें। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसे आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा, ये देख लो कितने भारी भारी शब्द हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आपने ये वीडियो पहले से देखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये part 2 बता रहा हूँ किस वीडियो में मिलेगा आपको, तो पहले से पढ़ लो और फिर इसे अटेम्प्ट करो, मेरा कहना तो यही रहेगा आपके लिए। फिर भी इसमें दिया है मैंने एंटोनिम,
ठीक है, एंटोनिम बताना, उल्टा बताना इस शब्द का उल्टा कौन सा वाला है। ये चार ऑप्शन है, बमशियस, ऑब्ट्रूसिव, डिफिडेंट, अग्रेसिव, पॉज करके इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है सिनोनिम यानी समानार्थी एलेक्ट्रिटी का। अगेन पार्ट टू वाले वीडियो में मैंने इसे कवर किया हुआ है, पहले उसे देखना और फिर ही इसे अटेम्प्ट करना अगर आपने उसे पहले नहीं देखा है तो। ठीक है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए हमारा। ठीक है, तो स्लगिशनेस, नॉन चैलेंज, सेलेरिटी और फ्लेग्नेशन में से कौन सा वाला होगा, आंसर बताएंगे। ठीक है, पॉज करके से आंसर करना। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो दोस्तों ये रहा आज के वीडियो पे जो क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आज आपने देख लिया उसे, तो मैं चाहता हूँ आप अगर एक बार अच्छे से देखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो पहले अच्छे से एक बार देख लीजिए तभी आप क्वेश्चन पे आना। ये नहीं क्वेश्चन देखो फिर वहाँ पे जा रहे हो, आप वो भी कर सकते हो पर कुछ ये करो कि एक बार देख करके फिर आप उसे आंसर कर पाए। ठीक है, देख लेते हैं, चलिए फटाफट से आपको उसे बताना है। फाइंड द एंटोनिम, उल्टा बताना है ट्रॉन्स का। चार ऑप्शन है आपके सामने, सेंश्योर पढ़ देता हूं एक बार, अपब्रेड, एक्सकोरेट और एक्सोनरेट और मैन हैंडलिंग, इनमें से आपको चुनना है और मुझे आंसर करना है क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा। ठीक है, पॉज करके इसे बढ़िया सॉल्व करना। ओके, नंबर सिक्स। ठीक है दोस्तों, आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ये रहा, सिक्स क्वेश्चन, अगेन इसी वीडियो से रहेगा, वो भी आपका फाइंड द सिनोनिम ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल का सिनोनिम फाइंड करना है। चार ऑप्शन, पांच ऑप्शंस दिए मैंने, वैपिड, ट्रैट, पेटी, डेवेनाल और विविड, इनमें से जो आंसर आप कर दीजिए। ध्यान सुनिए मेरी बात, आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो मैं बिल्कुल बैठा रहूंगा ताकि कि आपके आंसर्स आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि आज सीखिए, आज ही आपको उसके आंसर मिल जाए, और अगर आज नहीं मिलते हैं तो आपको कल तक उसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ईमानदारी से सारे आंसर्स मुझे करिए। छः के छः क्वेश्चंस हैं, वो सब मत लिखिए जो आप इधर उधर की चीज़ें लिखते रहते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा वो मुझे बताइए, बताइए वीडियो, और ऐसे चाहिए तो वो भी मुझे बताइए आप। ठीक है, तभी मैं वो वीडियोस और लेकर के आऊँगा। खैर, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, मैंने देखा भी, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बस आंसर थोड़े से ज़्यादा बढ़ाई है ना, आप आंसर्स बहुत कम लोग कर रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो प्लीज़ आंसर्स करिए, मुझे आंसर से मतलब है, वही मुझे बताएगा वो आपका आंसर ही कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं आया। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे ही रहेंगे, सिनोनिम पूछा जाएगा, चार ऑप्शन। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना आंसर करके, भागो मत उससे। क्लियर हुआ? चलिए, थैंक यू गाइज, आपने मुझे सुना, मुझे पढ़ा। ठीक है, फिर से मिलते हैं किसी अगले वीडियोज़ के साथ, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे एक्स्ट्रा आपके एग्जाम्स के लिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद।